अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में भी हम चैप्टर नंबर 8 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेसेस की एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू रखते हैं। तो हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस विद एग्जाम्पल्स, के रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को एग्जाम्पल के साथ हमने एक्सप्लेन करना है। तो हमारी सबसे पहले आ जाते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस ऐसी चेंजेस होती हैं चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, कि ये ऐसी चेंजेस है जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, कि अगर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन या कोई केमिकल चेंज भी है, हम उसे वापस जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी लेके आ सकें, या जो चीज जो हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं, देन हम अगेन प्रोडक्ट्स को वापस उन्हीं रिएक्टेंट्स के अंदर हम कन्वर्ट कर सकें। तो ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाती है मेल्टिंग ऑफ आइस इन टू लिक्विड वाटर, कि जो आइस की मेल्टिंग हो रही है लिक्विड वाटर के अंदर। अगर आप देखें तो जब आप बर्फ जो है उसको वो पानी के अंदर पिघलती है, तो वापस आप उस पानी को जो है वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कि टेम्परेचर फिर कम किया या फ्रीजर के अंदर रखें तो वापस वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो एक ये चेंज होगी कि ये जो है आगे भी जो है वो आइस जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हुई है, तो हम लिक्विड को वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्विचिंग ऑन अ ट्यूबलाइट, कि आपने ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया, तो ये चेंज वापस भी हो सकती है, कि आपने जैसे ऑन किया वैसे ही आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ साल्ट एंड वाटर, कि साल्ट और वाटर को आपने मिक्स किया, तो इसको भी आप रिवर्स कर सकते हैं, कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, और जो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया पिछले चैप्टर के अंदर, कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू आप साल्ट एंड वाटर को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो जैसे मिक्स किया वैसे आप जो है उसको अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस। तो ये ऐसी चेंजेस है चेंजेस विच ओनली प्रोसीड इन वन डायरेक्शन एंड के नॉट बी रिवर्स, कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में जाती हैं और इनको रिवर्स नहीं हम कर सकते। जैसे कि हमने पहले बात की है कि वो पिछली रिवर्सिबल चेंजेस थी, कि वो फॉरवर्ड भी जा रही थी और देन हम उनको रिवर्स भी कर सकते थे। और नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल के एग्जाम्पल में आ जाता है ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कि अगर ग्लास कोई टूट जाता है तो उसे आप रिवर्स करके पूरा ग्लास नहीं बना सकते। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, कि जब आपने पेपर या वुड को जला लिया देन आप वापस से वो राख के अंदर से पेपर और वुड जो है वो नहीं बना सकते। लोटिंग ऑफ एग और फ्रूट, कि जब आपका एग या कोई फ्रूट खराब हो गया देन आप उनसे जो है वो और वापस उसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये जो सी एग्जाम्पल्स थी ये नॉन रिवर्सिबल चेंजेस की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के जो डिफरेंस है इसका आपको पता चल गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।